हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, मैं अच्छे। चलिए दोस्तों, आज फिर से आप लोग बीच में आ चुके हैं। आप लोग देख रहे होंगे हम क्या करने वाले हैं। ये दोस्तों, यहाँ पर दो टैंक आ चुका है। देखिए, एक थ्री लेयर है और एक कंपनी का नाम है। इस कंपनी का हम दो टैंक इंस्टॉल करके आपको दिखाएँगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी दो टैंक को अटैच करेंगे हम, दोनों टैंक को ज्वाइंट भी करने का है। वाटर लेवल एक चाहिए और 1000 लीटर का एक टैंक है, 2000 हो रहा है। अभी देखिए हम यहाँ पे हीटिंग करना, अभी चालू कर दिए पाइप को। हीटिंग करके उसके बाद हम इसी के प्रकार से हम होल करेंगे। देखिए हम यहाँ पे पाइप भी ले लिए हैं, हीटिंग हो चुका है। अभी इसको जा रहे हैं होल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए अभी ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारा भी एक रिक्वेस्ट है, इलेक्ट्रिकल नौशादा को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नया से नया वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो नए लोग आते हैं उन लोगों के लिए बहुत रिक्वेस्ट आता है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरे को भी क्या है कि बहुत दिक्कत से हम लोग भी वीडियो बनाते हैं वर्किंग करते टाइम में भी। देखिए अभी मैं यहाँ पर होल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मेरे को कितना होल करना है, 4 होल करना है। 2 आउट है, एक 40 का आउट है, एक 50 का आउट है। 40-50 तुम्हारे मालूम है ना? एक रेडी हो गया। 40-50 का पाइप है। देखिए 40 का मेरा होल हो चुका है, अभी 50 का मेरे को होल करने का है। लीड में जो अटैच करेंगे लीड में हमारा 50 का हो जाएगा। एक टैंक में 2 बल रहेगा। यहाँ पे हम अच्छे से इसको क्लीन कर ले रहे हैं, पूरा चारों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद टैंक कनेक्ट कर लेंगे। ये 50 का हो रहा है, देखिए 50 का है, पहले वो 40 का था। देखिए अभी हो चुका है, अब इसको हम अच्छे से क्लीन करके अभी इसको कनेक्टर लगाएंगे, इसको हम टैंक कनेक्टर बोलते हैं। देखिए दोस्तों, चारों हो चुका है और आपको सामने दिख रहा होगा। अभी आ जाइए, यहाँ पे हम कनेक्टर ले चुके हैं। ये कनेक्टर है और कनेक्टर में हम थोड़ा टेपलन टेप लगाए हैं। आप लोग भी टेपलन टेप लगा सकते हैं, या तो एमसील आता है जिसको हम सफ़ेदा बोलते हैं हिंदी भाषा में, वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं सफ़ेदा वेदा नहीं यूज कर रहा हूँ, थोड़ा टेपलन टेप लगा कर उसके बाद उसको टाइट कर देंगे, हमको रेडी मिलेगा, लीकेज नहीं आएगा, इतना जान लीजिए। आप लोगों को डाउट उट होगा तो कनेक्टर साथ में सफ़ेदा लगा सकते हैं, जिसको हम एमसील बोलते हैं। या दोस्तों, ये कनेक्टर है, ऊपर का एक कनेक्टर हम लगा दें, वो टाइट कर दे रहे हैं, उसके बाद एक और कनेक्टर रहेगा वो भी हम टाइट कर देंगे। यहाँ पर हमारा 4 कनेक्टर है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ डाउट हो, एनी डाउट हो तो कमेंट करके मेरे को मोटिवेशन कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, मैं भी कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं, ऐसा में नहीं है भाई। देखिए अभी हमारा एक कनेक्टर ऊपर का रेडी हो गया, सेकंड कनेक्टर है फर्स्ट टैंक का, वो भी हम रेडी कर ले रहे हैं। एक आदमी अंदर गए हैं, वो टाइट कर रहे हैं अंदर से, हम बाहर से थोड़ा टाइट कर दे रहे हैं, रेडी हो जाएगा। चलिए अभी हम टाइट कर दिए हैं, अभी सेकंड टैंक है उसका भी कनेक्टर डालेंगे। अभी इस टैंक में भी एक दूसरे आदमी को हम डाले हुए हैं। चलिए अभी ये भी टाइट कर दे रहे हैं हम, उसके बाद ऊपर का आ जाएगा टाइट करने के लिए। वो एक और है कनेक्टर ऊपर डालने का, वो भी टाइट कर देंगे। चलिए दोस्तों, वो हो गया सेकंड वाला, देख रहे हैं आप लोग। ऊपर का एक कनेक्टर और है, 40 का है ऊपर का, वो तीनों 50 का है। अभी ये हम अच्छे से टाइट कर दे रहे हैं। ये टाइट होने के बाद हम क्या करेंगे, इस टैंक को हम ऊपर करेंगे, रेडी करेंगे, उसके बाद इसको पाइपिंग शुरू करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया आप लोगों को हेल्पफुल मिलने वाला है वीडियो। पूरा टैंक कनेक्टर साथ कनेक्शन और वाटर पाइप आउट और इन तो सब मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। इसमें हम आप लोगों को बताएँ कौन आउट है कौन इन है। चलिए दोस्तों, यह हो चुका है। चलिए हम इसको अभी देखिए, हम टाइट कर रहे हैं अंदर से कनेक्टर को। अभी हो गया है, अभी आ जाइए हम इधर, आइए हम टैंक को रेडी करते हैं। अभी टैंक यहाँ खड़ा कर दे रहे हैं और ये भी टैंक यहाँ पे खड़ा कर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले जैसे था वो सही,
खड़ा हो चुका है। अभी देखिए हम यहाँ पर पाइपिंग शुरू कर दिए हैं। यह पाइप थोड़ा क्रॉस में है क्योंकि यहाँ 45 हम डालेंगे तो मेरे को रेडी मिलेगा, आप लोगों को सीधा भी मिल सकता है, दो टैंक है इसलिए हमको थोड़ा बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो इसलिए हम 45 रखे हुए हैं। आप लोगों की चाहिए तो रखिए, नहीं तो मुश्किल नहीं है। तो हमें यहाँ पे FTA देखिए टैंक कनेक्टर के साथ, उसके बाद हम FTA लगाए हैं टेपलांग टेप के साथ, उसके बाद पाइप को ज्वाइंट कर रहे हैं, और उसके बाद जो 45 दिख रहा है वहाँ से हमारा सीधा पाइप आउट के लिए नीचे जाएगा। ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम यहाँ कटिंग कर रहे हैं, कटिंग इसलिए कर रहे हैं हमको वहाँ पे यूनियन डालेंगे। टैंक को कभी क्लीनिंग करने का रहता है तो मुश्किल होता है, बाद में कटिंग करके किया जाता है, लेकिन हम पहले ही डाल दे रहे हैं कि वहाँ से ओपन करके, यानी कि क्लोज करके ओपन करेंगे तो बाहर ले आकर के उसको क्लीन कर सकते हैं, फिर उसके बाद क्लोज कर देंगे। देखिए ओपन और क्लोज दोनों हो रहा है, इसी तरह के हमारा 4 यूनियन है, 2 टैंक है और 4 यूनियन है। आप लोगों को बताएंगे कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल करने का है। चलिए देखिए ये तो हो गया है, अभी यहाँ पे हम कटिंग करेंगे और उसमें फिर से हम ज्वाइंट कर देंगे 45 में। तो 45 में ज्वाइंट करने के बाद नेक्स्ट आगे के आप लोगों को हम पोजीशन बताएंगे। देखिए उधर टी है, आउट के लिए नीचे डाउन हो रहा है, वहाँ पे टी डाले हुए हैं, वहाँ से सीधे डाउन चला जाएगा नीचे, और टी ऊपर एक पाइप निकाल देंगे हम और नीचे डाल देंगे। बहुत लोग दूसरे पाइप में से एयर के लिए निकालते हैं, लेकिन हम आउट वाला जो पाइप है उसी में से हम एयर निकालते हैं, एयर के लिए ऊपर चला जाएगा। उसमें दो फायदा है, एयर में पानी का लेवल भी मिलेगा आप लोगों को और एयर भी मिलेगा, दोनों काम होगा। देखिए वो तो वहाँ पर लगा दूंगे और ये आप लोगों को टी दिख रहा होगा, फिर नीचे आउट के लिए जा रहा है, 40 एमएम का पाइप है, आउट के लिए जा रहा है, और ये जो पाइप हम लगाए हैं इसमें ये ऊपर जाएगा अपना वाटर लेवल के ऊपर में कटिंग करके, फिर एक टी डालेंगे हम। ये जो एक पाइप दिख रहा होगा वो लगा रहे हैं हम, वो मेरा 40 या नहीं है 50 का पाइप है, वो भी आउट है, हमारा इधर से 2 आउट हुआ है। जैसे जैसे वर्क है वैसे वैसे हम आउट किए हैं पाइप, 2 पाइप आउट हुआ है और वो एक पाइप उसमें इन हुआ है बस, जो कि 1 इंच का पाइप है, और वो कॉरपोरेशन वाटर या टैंक वो मोटर से कुछ भी से कनेक्ट कर सकते हैं, तभी वो तो मोटर से कनेक्ट है, वो ऊपर आ रहा है पाइप। चलिए भी हम गम लगा चुके हैं, और देखिए हम यहाँ पे टी में फिर ज्वाइंट कर देंगे, फिर ज्वाइंट करने के बाद आप लोगों को अगला पोजीशन दिखाते हैं। चलिए आइए ज्वाइंट हो गया और नेक्स्ट पोजीशन इधर आ जाइए। देखिए आप लोगों के पास ये टी दिख रहा होगा, यहाँ पर हम कटिंग करके एक टी डाल चुके हैं 40 का, और 50 का भी टी डालने का है। चलिए अच्छा से फिर हम गम लगा दे रहे हैं, उसके बाद टी डाल देंगे, टी डालेंगे उसके बाद वाटर जो है टैंक से 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर डाउन रखेंगे वाटर लेवल, ताकि वाटर फुल होने के पहले ही वाटर नीचे जाए, वाटर नीचे जाएगा तो उस टाइम मोटर क्लोज करेंगे और यानी ऑफ करेंगे हम स्विच को मोटर का। अभी देखिए वहाँ से हम बाहर पाइप को निकाल देंगे टी के बाद, और एक पाइप हम ऊपर डाल रहे हैं, यानी कि वो एयर के लिए हम ऊपर डाल रहे हैं, दोनों पाइप को डालेंगे। पाइप 40 का डाल रहा हूँ, पहले 50 का डाल रहा हूँ, उसके बाद 40 का डालेंगे हम। आप लोगों को एक पाइप और दिख रहा होगा पीछे के सेंटर का, वो 1 इंच का पाइप है, वो इन है, एक पाइप इन हुआ है, 2 पाइप आउट हुआ है। चलिए ये भी ऊपर का भी हो चुका है, और बस मेरा सेंटर का पाइप बाकी है, वो भी हम इसमें गम लगा करके और उसमें सॉकेट लगा फिर ज्वाइंट कर देंगे और उसको टैंक में ले आकर डाल देंगे।
चलिए यहाँ पे हम फिर गम लगा चुके हैं, देख लीजिए, और उसके बाद ऊपर हम एल्बो ज्वाइंट कर देंगे। अभी एल्बो ज्वाइंट करने के बाद ऊपर वो पाइप चला जाएगा। अभी यहाँ फिर हम आ चुके हैं नेक्स्ट, मेरा 50 का पाइप जो मेरा आउट करने का है टैंक से, वहाँ पे देखें हम FTA टाइट कर रहे हैं, अच्छे से टाइट कर देंगे FTA, टेपलन टेप लगा के FTA, टेपलन टेप डालने के बाद उसके बाद FTA अच्छे से टाइट कर देंगे। टेपलन टेप के ऊपर साल रहता है, वो एक ब्लैक कलर को भी आप डाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन हम बिना उसके हम बस टेपलन टेप डाल के उसको टाइट किए हैं। अभी अच्छे से मंकी ब्लास्ट टाइट कर देंगे और पाइप को कटिंग करके उसको ज्वाइंट कर देंगे। देख सकते हैं वो हो चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ा पीस कटिंग करेंगे टाइम चलने में डाला, उसके बाद फिर हम डालेंगे और ओरिजिनल को डाल देंगे। ये हम चिपका दिए और मेरा यूनियन है वो भी इसमें हम डाल देंगे। वीडियो स्किप कीजिएगा आप लोग, तो पूरा नहीं देख पाएंगे। देख रही, बहुत मेहनत से हम आप लोगों के पास वीडियो पहुंचा रहे हैं। अभी इसमें देखिए फिर गम लगा करके उसको यूनियन गम चिपका दिए और थोड़ा सा और पीस कटिंग करेंगे 45 के लिए, उसके बाद इधर मोड़ने का है, क्योंकि हम एल्बो या बेंड डालेंगे तो दो मेरा एल्बो बेंड हो जाएगा, इसलिए हम 45 डाल के क्रॉस में पाइप इधर टीम में मैच कर देंगे और डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। ज़्यादा बेंड ज़्यादा एल्बो डालने से थोड़ा मुश्किल होता है वाटर का। चलिए हो गया मेरा गम और उसमें हम फिर यूनियन में डाल दे रहे हैं और उसके बाद अच्छे से क्लीन करके फिर 45 को हम चिपका देंगे। ओके चलिए अभी फिर हम गम लगा चुके हैं और 45 उसमें डाल दे रहे हैं। फोर्टी फाइव को डालते टाइम थोड़ा ध्यान देने का है कि मेरा 45 सीधा ही रहना चाहिए। अभी इधर हम आ चुके हैं नेक्स्ट पाइपिंग, जो आप लोगों को टी दिख रहा होगा वो आउट गया है नीचे। अभी थोड़ा मैं कैमरा इधर साइड में किया हूँ, पीछे का आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। फिर उसमें हम ज्वाइंट कर दिए हैं, अभी बस मेरा 45 बच गया है उसमें ज्वाइंट करने का है। फिर उसमें अच्छे से हम गम लगा रहे हैं। मेरा PVC पूरा पाइपिंग है भाई, दो पहले समझ लीजिए, गम लगा ले रहे हैं उसके बाद वहाँ ज्वाइंट कर दे रहे हैं। ओके अभी देखिए ज्वाइंट हो चुका है। अभी नेक्स्ट मेरा लास्ट काम यह बच गया है मेरा टैंक को अटैच करने का। दो टैंक एक में अटैच करेंगे, अभी देख लीजिए टैंक कनेक्टर रेडी है, FTA रेडी है और बीच सेंटर का यूनियन डालेंगे और दोनों को उसमें ज्वाइंट कर देंगे। मेरा बस इतना काम रह गया, ये फिनिश होने के बाद वीडियो फिनिश हो जाएगा। चलिए यूनियन डाल दिए हैं और एक तरफ का और यूनियन हम एक तरफ का एक और पाइप डालेंगे। क्या करेंगे भाई, काम भी करना है और आप लोगों को कुछ बताना भी है, तो थोड़ा गलत सबका व्यू हो जाए तो मुश्किल नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। चलिए अच्छे से फिर यहाँ पे हम गम लगा दे रहे हैं, उसके बाद उसको फिर उसमें डाल देंगे। वो रेडी हो गया मेरा एक साइड का है, वो भी उसमें गम लगा करके टैंक को इधर लेंगे उसमें चिपका देंगे, वो रेडी मेरा हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे गम लगा चुके हैं और टैंक को इधर पुश करके उसमें चिपका दे रहे हैं। ओके देख लीजिए मेरा टैंक इधर आ चुका है और उसमें चिपका दी। ओके जी दोस्तों, देखिए ये मेरा पूरा टैंक का वर्क है, मैं क्या क्या वर्क किया हूँ आज का पूरा इस वीडियो में। प्रैक्टिकल नौ साल सब्सक्राइब हुए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट नया वीडियो के बाद बहुत जल्दी दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलते हैं, देखिए वास्तव में मैं ऑन कर चुका हूँ, लिख के भी नहीं है कहीं, मैं चेक कर लिया। प्रैक्टिकल नौ साल सब्सक्राइब करें भाई।